without wasting any time. So basically last time हमने ये देखा था already कि motion at means the body at rest. What does it mean? The body at rest. What does it mean? The body in uniform motion. What does it means when the body is in uniformly accelerated motion? And ultimately, what does it means when the body is there in non-uniformly accelerated motion? And how the graphs changes? तो ये हमने देखा था ग्राफ्स के बारे में भी डिटेल इंफॉर्मेशन हमने देखा था ऑलरेडी कि किस तरह से ग्राफ बिहेव करते हैं. तो जब बॉडी मोशन यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो उसमें क्या होता है, खासियत क्या होता है उसका, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम. सो द ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इंक्रीजिंग और मे बी डिक्रीजिंग डिपेंडिंग अपॉन वेदर द वेलोसिटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, नो डाउट. देन अगेन इन केस व्हेन द वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, velocity के बारे में क्या बोल सकते हैं, it remains constant and that's why the graph between the velocity and time remains horizontal like this, okay, which says that this graph is constant, no doubt. And then acceleration time graph is coincident with origin. ये देखो ये ग्राफ जो है यहाँ पे तो ये ओरिजिन के साथ कोइंसिडेंट ग्राफ जो है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ कोइंसिडेंट ग्राफ जो है वो हमारा मिलता है एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में. ये पूरा क्या किसके बारे में हो गया, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हो गया, बिल्कुल. But in case of uniformly accelerated motion, the displacement time graph is going to be a curved one. It's going to be a curve. And because the displacement is actually directly proportional to time square. So displacement actually depends on time square. And the velocity depends on time only. And that's why the graph between velocity and time is going to be a straight line, increasing or decreasing depending upon velocity, whether its acceleration is positive or negative. एंड तीसरी बात की एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिमेन्स हॉरिजॉन्टल लाइक दिस व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन दिस वे. एंड अल्टीमेटली इन केस ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज नॉट अ कॉन्स्टेंट वन. सो इफ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू टाइम देन वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर एंड इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट विल बी प्रोपोर्शनल टू टाइम क्यूब. इफ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर then velocity will be proportional to time cube and displacement proportional to time 4. And if acceleration itself is proportional to time cube, then velocity will be proportional to time raised to 4 and displacement will be proportional to time raised to 5. In this way, the variation between acceleration, velocity and displacement takes place. So basically, जो भी जिस power के साथ भी acceleration proportion में होगा, उसका एक power ज़्यादा velocity proportion में होगा time के. और उससे भी एक और पावर ज्यादा प्रोपोर्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ. ये ऐसा क्यों होता है वो भी हमको समझना है. तो ये पूरा जो है वो अगर आपको समझ में आ चुका है तो इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने वाला हूँ. अगर इसमें कुछ डाउट है तो अभी पूछो फटाफट, जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड जस्ट आस्क द डाउट्स फास्ट इफ यू हैव, अदरवाइज आई एम गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस. तो वो क्वेश्चंस आपको उसका आंसर करना आना चाहिए. Yes, no doubts. Okay. Let us see the questions then. Okay. देखो अभी मुझे तुमको ये बताना है कि जो गिवन मोशन है, ठीक है, whether the following motion is a uniform one or uniformly accelerated one or non-uniformly accelerated one. ठीक है, ओके. तो उसका जो इक्वेशन है वो मैं इक्वेशन आपको देता हूं और उससे आपको उसको जज करना है. ठीक है, देखो ठीक से, डिस्प्लेसमेंट एस इज गिवन एज 4t² प्लस 5t माइनस 1. ओके, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है. इससे मुझे बताओ कि वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म और इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और इट इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. ठीक है, ऐसा करो, ये जो है या चौथा ऑप्शन एक हमारे पास है
द बॉडी इज एट रेस्ट, ओके। तो रेस्ट में अगर रहेगा तो ऑप्शन ए बोलना, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो ऑप्शन बी बोलना है, ठीक है। अगर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। देखो इधर, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि वेदर दिस मोशन इज यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। उसके लिए हमको ये टेबल याद रखना होगा, ये चलो ठीक है। ये टेबल से भी आगे जाके अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं पता है हमको, डी बाई डी टी ऑफ एस, करेक्ट है, जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको क्या मिलेगा, देखो 4t² प्लस 5t माइनस 1, विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी 4t², 4 तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव बनता है 2t, राइट, प्लस 5, 5 इंटू 1 माइनस 0, विच इज द डेरिवेटिव ऑफ 1, एंड हियर इट इज गोइंग टू बी 80 प्लस 5, करेक्ट है क्या। देखो ये बन गया वेलोसिटी का इक्वेशन। अभी इसको फिर से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा, क्योंकि हमको पता है कि एक्सेलरेशन ए इज गिवन बाय डी वी बाय डी टी, करेक्ट। सो डी बाय डी टी ऑफ वी, वी मतलब क्या, 80 प्लस 5, राइट, एंड हेंस इफ वी फाइंड आउट द एक्सेलरेशन देन वी कैन गेट दिस एज 8 इंटू टी का डेरिवेटिव विच इज 1 प्लस 5 का डेरिवेटिव विच इज 0, एंड हेंस वी आर गोइंग टू गेट द एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू 8। अभी देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 8 मिला, तो इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में किधर भी तुमको टाइम दिख रहा है क्या, टाइम तो है ही नहीं, बिल्कुल। तो अगर टाइम का टर्म ही नहीं है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी अ कॉन्स्टेंट वन, ओके। तो जब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो गया तो इसका मतलब ये मोशन कौन से टाइप का है। देखो इधर अभी अभी हमने क्या देखा, ये पूरा जो टेबल हमने देखा इसके अंदर क्या पता चला, व्हेन एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट व्हाट डज इट मीन, द मोशन इज गोइंग टू बी अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वन, करेक्ट है। सो वी गेट दैट द मोशन इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, दैट इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, चलो ठीक है। एंड इवन और एक चेक पॉइंट है, देखो ठीक से, यहाँ पे वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन के अंदर क्या आ रहा है, सिर्फ टाइम आ रहा है, तो कांट वी से दैट वेलोसिटी कंटेन्स टाइम, फर्स्ट पावर ऑफ टाइम ओनली। तो वेलोसिटी का जो इक्वेशन हमको मिल रहा है, इस इक्वेशन का डिग्री कितना है, डिग्री चेक करो, डिग्री मतलब क्या पता है तुमको, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ टाइम। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर तो टाइम है ही नहीं, और इस टर्म के अंदर टाइम का 1 पावर है, तो इसका मतलब टाइम का फर्स्ट पावर मैक्सिमम है, राइट। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का डिग्री कितना है, 1, जिसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, एंड वेन एवर द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हाट डज इट मीन। अभी अभी हमने क्या देखा, देखो तो ये जो इक्वेशन हमने देखा, देखो ठीक से फिर से, कि वेलोसिटी, वेन एवर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट द वेलोसिटी द मोशन इज गोइंग टू बी अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वन, वंस अगेन इन द सेम वे हियर, एंड एट द सेम टाइम इफ डिस्प्लेसमेंट कंटेन्स टाइम स्क्वायर, चेक। अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट के अंदर टाइम स्क्वायर है कि नहीं, ये देखो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, ये देखो ये फॉर्मूला के ऊपर अगर ठीक से कॉन्सेंट्रेट करो तो इजेंट इट्स टाइम्स टी स्क्वायर इज देयर ऑलरेडी। ये जो पूरा इक्वेशन है इसका डिग्री कितना है निकाल सकते हो आराम से, डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी 2, व्हाई, बिकॉज दिस टी स्क्वायर इज द हाईएस्ट पावर टर्म, या तो ये टी रेस टू 1 है नो डाउट, बट हाईएस्ट पावर टर्म कौन सा है, टी स्क्वायर, एंड दैट्स व्हाई द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज सपोज टू बी 2, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस, इन दिस केस द वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, अरे सॉरी सॉरी, सी हियर, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर एंड एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, सो दीज फैक्ट्स रिवील दैट द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दैट मीन्स हियर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। चलो टेस्ट वन मोर, सी हियर, सपोज डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी 8 टाइम्स ऑफ टी क्यूब, बताओ फटाफट कौन बताएगा, डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी 8t³, सो वेलोसिटी विल बी व्हाट, वेलोसिटी विल बी डेरिवेटिव ऑफ
8t³, विच इज देयर, सो 8 इज अ कॉन्स्टेंट आउट, एंड टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या बनता है, 3t² अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. सो वी गेट दिस एज 24t², राइट? सो दिस इज द वेलोसिटी, एंड एट द सेम टाइम व्हाट इज द एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन के लिए फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, डी बाई डी टी ऑफ 24t², एंड इफ यू वर्क इट आउट देन एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 24 आउट इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि 2t, मतलब वो बन गया 48t, राइट? सो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज इटसेल्फ प्रोपोर्शनल टू टाइम, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर, एंड डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम क्यूब. सी हियर, सो इन दिस केस वी कैन जस्ट रिकॉल बैक व्हाट वी हैव डन जस्ट लास्ट इन द लास्ट स्लाइड, दैट व्हेन एवर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर एंड डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम क्यूब, वी से दैट दिस मोशन इज गोइंग टू बी अ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वन. समझा ठीक से? तो ये हमको इसमें से मिल रहा है, तो इस तरह से हम आराम से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर द मोशन इज एक्सेलरेटेड और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. ओके, तीसरा क्वेश्चन. ठीक है, अभी देखो डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है 40 + 5. ओके, जस्ट चेक, दिस इज द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, एंड जस्ट टेल मी फास्ट वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. ए बी सी डी, ये चार ऑप्शंस हमारे पास है, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. जस्ट फाइंड आउट द डेरिवेटिव फास्ट. सी हियर, इसको अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या मिलता है, वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो डी एस बाई डी टी कितना आएगा, डी बाई डी टी ऑफ 40 + 5, वेयर 4 इज अ कॉन्स्टेंट आउट. वेरी गुड, वेरी गुड अथर्व, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. अरे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नहीं, रॉन्ग हो गया. देखो ठीक से, 4 × डेरिवेटिव ऑफ टी विच इज 1 + 0 विच इज गोइंग टू बी 4 ओनली, सो वेलोसिटी इटसेल्फ इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, राइट? एंड इफ वी फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे, डी बाई डी टी ऑफ वी, वेयर वी इज गोइंग टू बी 4, सो डी बाई डी टी ऑफ 4, हाउ मच द डेरिवेटिव ऑफ 4 इज 0, so acceleration is going to be 0. see it here, so acceleration is 0 and velocity is constant, check, and displacement proportional to time. देखो ठीक से, displacement is proportional to time, मतलब उसका जो डिग्री है, इस इक्वेशन का डिग्री कितना बन रहा है, 1, that means displacement is proportional to time, and that's why we can just recall back what we have done in the last slide, that see here acceleration is 0, velocity is constant and displacement proportional to time. This happens only in case of uniform motion, which is there in option B here, and that's why we can say that the motion is going to be a uniform one. So this type of motion is will be there. समझा गया ठीक से? Okay. चलो ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, सेम सेटिंग है, याद रखो ठीक से. सिर्फ इक्वेशन चेंज होगा अभी, ठीक है ना? देखो ठीक से, अरे सब शिफ्ट, ओके सी हियर, नाउ आई विल जस्ट चेंज द इक्वेशन. ओके, जस्ट बाय फाइंड जस्ट ऑब्जर्विंग द इक्वेशन यू हैव टू मेंशन वेदर द मोशन इज द बॉडी इज एट रेस्ट, यूनिफॉर्मली मूविंग और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. ओके देखो ठीक से, एस इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है कि S इज इक्वल टू 5t + 9, ये इक्वेशन है S का. चलो बताओ अभी फटाफट,
डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5t प्लस 9, व्हाट डज इट मीन? बी मतलब यूनिफॉर्म, वेरी गुड। देखो क्यों, क्योंकि अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी होता है डी एस बाय डी टी, करेक्ट है? तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो डी बाई डी टी ऑफ 5t प्लस 9, विच गिव्स दैट वी इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 0, मीन्स v must be equal to 5 and acceleration must be equal to 0. देखो ठीक से, इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे वापस तो 0 आएगा कि नहीं? तो इसलिए velocity is constant, acceleration is 0 and displacement proportional to time makes it a uniform motion. Remember, it's going to be a uniform motion. चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, displacement is given by 4, yes that's it, displacement is given by 4, that's it. Tell me fast, which type of motion is this particle is moving in? Displacement is 4, kitna simple question hai, jaldi sabhi answer karo. A, very good, very good, the body is at rest. Just why? Because the displacement itself is going to be a constant one. And if we find out its derivative, then it will become zero. And if we find its double derivative, that is acceleration, then also it going to be zero, no doubt. So it is going to be at rest. That means A is going to be the correct option. Okay. Chalo, theek hai. Teesra question. Be careful now. See, displacement is given as t minus 2 the whole square. Check. इक्वेशन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का, ओके, जस्ट फाइंड आउट वेदर द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और रेस्ट, वेरी गुड अथर्व, बाकी भी करो जल्दी। देखो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली एक्सपांड करेंगे तो क्या मिल रहा है, टी स्क्वायर माइनस टू सॉरी 4t प्लस 4, ऐसा मिल रहा है कि नहीं? तो अभी चेक करो, हमने जो अभी दिया था जो टेबल बनाया था तो उसमें ये देखो डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर इसी एक इक्वेशन के अंदर होता है कि नहीं? इसमें तो टी क्यूब के साथ प्रोपोर्शन में होता है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट अगर प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या हो गया, हो जाएगा टाइम का एक पावर कम हो जाएगा, और उसका डेरिवेटिव वापस निकालने के बाद टाइम का और एक पावर कम हो जाएगा, मतलब वो कॉन्स्टेंट बन जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि द सिंस इन दिस केस द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर इटसेल्फ, इट गिव्स दैट द मोशन इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, दैट मींस सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। समझा कैसे? ठीक है, अगर हमको चाहिए तो हम इसका डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं आराम से। क्या आएगा डेरिवेटिव बताओ, डी एस बाई डी टी निकालो इसका, तो डी एस बाई डी टी विल एक्चुअली बी इक्वल टू 2t माइनस 4 which contains only one power of t. तो यहाँ पे जो इस equation का जो degree है वो one बिन रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि velocity is proportional to time and that's why we can say that the motion is uniformly accelerated. And इससे भी आगे जाके अगर acceleration ढूंढ के निकालेंगे तो वो हमको मिलेगा dv by dt which is going to be simply 2 into 1 minus 0, मतलब 2 only, जिससे हमको पता चलता है कि it is constant, right? And that's why we can say that the velocity, the motion is uniformly accelerated, no doubt. चलो ठीक है, take one more question. अब देखो थोड़ा confuse करने के लिए मैं try कर रहा हूँ तुमको। देखो ठीक से, t is equal to root of x minus 3. देखो ठीक से, ये equation है, ठीक है? इससे मुझे बताओ, अभी x मतलब क्या है? x coordinate, हाँ? And x coordinate मतलब ही displacement. एस बोलो या एक्स बोलो उसको ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो बताओ जल्दी, दिस मोशन इज गोइंग टू बी ऑफ विच टाइप? पार्थ सी, अरे अथर्व रेस्ट कहां से आया? देखो इसको हमको स्क्वेयरिंग करना है, जस्ट स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या होता है देखो ठीक से, तो यहाँ पे हमको मिलेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू
एक्स माइनस थ्री, करेक्ट है क्या? एंड इफ यू जस्ट ट्रांसफर दिस माइनस थ्री इन दैट साइड, देन वी कैन गेट इट एज टी स्क्वायर प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स, विच मीन्स दैट एक्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस थ्री, दैट्स ऑल। देखो एक्स जो है, एक्स के अंदर टी स्क्वायर आ गया कि नहीं, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये तो ऐसे ही हो गया कि नहीं, ये जैसे हमने इसको डिफरेंशिएट किया था दो बार, जिससे हमको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने से क्या मिला था, वेलोसिटी मिला था। तो यहाँ पे भी हमको डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा जो कि 2t रहेगा, और एक्सेलरेशन इसको फिर से डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा हमको, एक्सेलरेशन जो कि सिंपली 2 के बराबर होगा। अभी देखो एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर, एंड हेंस वी कैन से ऑब्वियसली दैट दिस velocity, this motion is going to be a uniformly accelerated one. So just don't get confused. Question कैसा भी दिया जाए, तभी भी हमको ये x और t के बीच में relationship ढूंढ के निकालना होता है। चलो ठीक है, अभी और एक question देता हूँ। अब देखो मैंने अभी ये सारे questions के अंदर मैंने displacement दिया था, अभी मैं वेलोसिटी दे रहा हूं। देखो ठीक से, वेलोसिटी इज गिवन एज 6t माइनस 3, जस्ट चेक नाउ एंड टेल मी वेदर दिस मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वन और यूनिफॉर्म वन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, करेक्ट, वेरी गुड। देखो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन हमको मिलेगा डी वी बाई डी टी। क्या मिल रहा है एक्सेलरेशन, ये देखो एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी एक्चुअली डी बाई डी टी ऑफ 60 माइनस 3, विच इज गोइंग टू बी एक्चुअली 6 इंटू 1 माइनस 0, विच इज गोइंग टू बी 6 सिंपली। एंड सिंस दिस एक्सेलरेशन इज 6, इट्स अ कॉन्स्टेंट, राइट? तो ये कॉन्स्टेंट है, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो गया। इसका मतलब ही क्या हुआ कि द मोशन इज गोइंग टू बी ऑफ दिस टाइप, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, करेक्ट, वेरी गुड। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो वेलोसिटी जो है, तो वेलोसिटी इज गिवन टू बी 3, सिंपली वेलोसिटी इज 3, दैट्स इट। विच टाइप ऑफ मोशन इज दिस, यूनिफॉर्म, वेरी गुड, वेरी गुड। B will be the correct option just because it is its velocity is going to be a constant. So when the velocity is constant, and how will you come to know that the velocity is constant here? कैसे हमको पता चला कि velocity constant है? क्योंकि velocity के equation में किधर भी time नहीं है, है कि नहीं? Time का term ही नहीं है। इससे ही हमको पता चलता है कि velocity is a constant one. समझा ठीक से? Okay. एंड इवन इससे भी आगे जाके अगर हमने एक्सेलरेशन ढूंढ के निकाला, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी, तो डी वी बाई डी टी होने से वो जीरो बन जाएगा क्योंकि थ्री इज अ कॉन्स्टेंट, एंड किसी भी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, जीरो। तो इसलिए वो बी टाइप का मोशन होगा, मतलब यूनिफॉर्म मोशन बनेगा। चलो ठीक है, अच्छा और एक क्वेश्चन करो। देखो ठीक से, एक्सेलरेशन ए इज गोइंग टू बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टेल मी फास्ट Which type of this motion is? Acceleration is constant, right? So since acceleration is constant, it's of the type C, that is uniformly accelerated. Very good. चलो ठीक है। अच्छा अभी मुझे बताओ, acceleration is equal to 6t, ये दिया हुआ है, तो उससे क्या बता सकते हैं? Yes.
ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. ए इज गोइंग टू बी इक्वल टू 60. व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस? एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, राइट? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू टी. व्हाट डज इट मीन? एक्सेलरेशन इज वेरिएबल ना, तो इस टाइप का मोशन होगा, वो डी टाइप का मोशन होगा. बिल्कुल. ओके लेट अस सी वन मोर. यस, इफ वेलोसिटी इज गिवन बाय 6 माइनस 9 टी. अब ये करो, वी इज इक्वल टू 6 माइनस 9 टी. व्हाट कैन वी से अबाउट? इफ यू फाइंड आउट द डेरिवेटिव, देन डी बाई डी टी ऑफ 6 माइनस 9 टी, विच कम्स आउट टू बी 0 माइनस 9, मीन्स इट इज -9, विच इज अ कॉन्स्टेंट अगेन. दैट मीन्स इट्स गोइंग टू बी अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. ओके चलो ये करो. अभी वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 6 t² - 5, विच इज दिस टाइप ऑफ मोशन इज. तो देखो डीवी बाय डीटी अगर निकालेंगे तो हमको मिलेगा 6 × 2t - 5, विच इज 0. तो इसमें 12 t ये मिल गया एक्सेलरेशन. एंड एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब फिर से नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया. ओके अभी तुमको खुद से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके आंसर्स मैं आपको 5 मिनट के बाद पूछूंगा. ओके देखो, सबसे पहला ये क्वेश्चन ले लो, फटाफट अभी सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना? तो देखो एक है, ये दूसरा है, है ना? ये क्वेश्चंस करके रखो, मैं 5 मिनट के बाद आपको पूछ रहा हूँ. ओके
यस किया सॉल्व सबने। ओके टेल मी फास्ट, फर्स्ट का क्या आंसर आएगा बताओ। ओके वेरी गुड, हमने तो सारे डाल दिए। चलो लेट अस चेक, सी हियर द फर्स्ट वन, ये जो फर्स्ट वाला है तो ये कौन से टाइप का मोशन है। देखो इधर टी रेस टू फोर आ गया ना उसमें, तो फिर अगर उसका वेलोसिटी भी हम निकालेंगे तभी भी टी स्क्वायर आएगा, और एक्सेलरेशन निकालेंगे तो सॉरी टी क्यूब आएगा, टी क्यूब वेलोसिटी निकालेंगे तो, और एक्सेलरेशन के अंदर टी स्क्वायर तो रहेगा ही, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज नो वेयर कॉन्स्टेंट बट इट इज वेरिएबल एंड दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू बी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब ही वो डी ऑप्शन जो था ना हमारा लास्ट वाला ऑप्शन, यस सो वो रहेगा नो डाउट। सेकेंड वाला बिल्कुल डी अगेन, थर्ड वाला चेक करो। अब देखो वेलोसिटी अगर टी स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शन में है तो एक्सेलरेशन का क्या होगा, टी के साथ प्रोपोर्शन में आएगा, तो इसलिए वो डी ही ऑप्शन आएगा, डी मतलब नॉन यूनिफॉर्मली ही होगा बिल्कुल। अब देखो एक्सेलरेशन खुद यहाँ पे टी स्क्वायर पे डिपेंड करता हुआ बताया जा रहा है, तो इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ही हो गया फिर से नो डाउट। बट यहाँ पे क्या है देखो, फिफ्थ वाले क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट राइट, सो एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट का मतलब ही है इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब वो सी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके देन अगेन नेक्स्ट इज अबाउट एस इज इक्वल टू 3t + 4। अब डिस्प्लेसमेंट अगर टी के साथ प्रोपोर्शन में है तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो वाला मोशन कौन सा होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म मतलब क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। ओके देन अगेन हियर वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट राइट, एंड एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब वो सी वाला मोशन हो गया, सी टाइप का जिसके अंदर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है बिल्कुल। नेक्स्ट इज अबाउट एक्सेलरेशन इज 1 - t व्हिच मींस दैट एक्सेलरेशन इटसेल्फ इज वेरिएबल, दैट मींस इट इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन व्हिच इज डी हियर। नेक्स्ट इज अबाउट नाइन्थ, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, सो इफ यू डिफरेंशिएट इट वंस देन एक्सेलरेशन विल बिकम कॉन्स्टेंट एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन व्हिच इज देयर इन सी राइट। Then again, velocity is proportional to time square. So if we differentiate it, we'll get acceleration, which will be proportional to time, and it is not a constant at all. And that's why it is going to be d, that is non-uniformly accelerated motion. Again, acceleration यहाँ पे खुद acceleration ही हमको already दिख रहा है कि इसके अंदर time वाला term है, मतलब acceleration constant तो है ही नहीं, it's variable. That means it is non-uniformly accelerated motion once again, that is capital D. Okay. Next is again s is equal to 4 - t square. If you differentiate it, then velocity will get -2t. That means it is proportional to time, right? And acceleration is going to be constant. And that's why we can say that constant acceleration wala motion kaun sa hota hai? Uniformly accelerated one, that is c. Okay. Displacement dekho yahan pe t ke sath proportion mein hai. Velocity will become constant and acceleration will become zero. And that's why we can say that it will be a b motion. B matlab uniformly accelerated motion. No doubt. And then velocity is proportional to time square. Correct है? इसके अंदर. तो इसको अगर हम differentiate करेंगे, तो acceleration will be proportional to time. And hence it is going to be a d, मतलब non-uniformly accelerated motion. And again, if we differentiate this equation also, then we can get acceleration which is going to be 3, which is a constant. And constant acceleration वाला motion कौन सा होता है? C, that is uniformly accelerated motion. That's all. ये सारे questions के answer है देखो ठीक से. कंफर्म करो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सो दैट वी कैन एंड द लेक्चर। ओके सो लेट अस स्टॉप हियर एंड वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स सो फार सो सो दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी कैन अंडरस्टैंड सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस सेम। Okay, so let us stop here. Thank you, all of you. Bye bye.